नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की हर तरफ चर्चा है। इमरान खान के एक मार्च के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी और जिसके बाद से ही, जिसमें इमरान खान घायल भी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जिसके बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर हो गए हैं। और इस पूरी घटनाक्रम के बाद से ही पाकिस्तान के हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में आपको बता दें कि युद्ध छिड़ने जैसे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है, कैसे शहबाज शरीफ के सरकार इस हालात को कंट्रोल कर पाएगी और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ इमरान खान के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 28 अक्टूबर से हकीकी आज़ादी मार्च की शुरुआत की थी और इस मार्च का मकसद सरकार को उखाड़ फेंकने और पाकिस्तान में आम चुनाव करवाने का था। और मार्च को लेकर ही पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और खुफिया एजेंसियाँ भी इस पर नज़र बनाए हुई थी। कुल मिलाकर इमरान खान एक बार फिर पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही मौजूद गुजरावाला में इमरान खान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरकार विरोधी मार्च निकाल रहे थे। इमरान खान एक खुली गाड़ी में ही सवार होकर मार्च कर रहे थे और इसी दौरान अचानक वहां गोलियां की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। बंदूकों का रुख इमरान खान की तरफ होता है और जिसमें इमरान खान के पैर में कई गोलियां भी लगती हैं। साथ ही इमरान के नज़दीक उनकी पार्टी के कुछ नेता भी घायल होते हैं। और इसके बाद हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में ही हमलावर इमरान खान की हत्या की बात कर रहा है और उसका कहना है कि इमरान देश को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी हत्या करना चाहता था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल्ड फॉर द वर्ल्ड विषय के तहत 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक का बुधवार को ही उद्घाटन किया है। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने ही निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश का मतलब समावेशी निवेश है और जब से वे निवेश करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो लोकतंत्र में निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में निवेश एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित धरती के लिए निवेश के बारे में है। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के में हजारों साझेदारियाँ बनाई जाएंगी और जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे समय में जब दुनिया कोविड महामारी और युद्ध के प्रभाव से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था फल फूल रही है और सभी निवेशकों को आकर्षित कर रही है, इसके अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों के रूप में निवेश मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक संकट का समय है। हालांकि अर्थशास्त्री विशेषज्ञ का कहना है कि भारत एक बेहतर स्थिति में है, हम अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं और इसे दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। तो बता दें पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है जहां पर निवेशकों की बात की जा रही है। आपको बता दें 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन हुआ है और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बिल्ड फॉर द वर्ल्ड विषय के तहत 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टर्स कर्नाटक का बुधवार को ही उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए ये भी कह दिया कि भारत में निवेश का मतलब समावेशी निवेश से है और जब वे निवेश करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो लोकतंत्र में निवेश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में निवेश एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित धरती के लिए निवेश के बारे में है। उन्होंने ये भी कहा कि आइए हम सभी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मुझे बताया गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हज़ारों साझेदारियां बनाई जाएंगी जिससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे समय में जब दुनिया कोविड महामारी और युद्ध के प्रभाव से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था फल फूल रही है और सभी निवेशकों को आकर्षित कर रही है, इसके अर्थव्यवस्था मूल सिद्धांतों के रूप में निवेश मजबूत है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक संकट का समय है और हालांकि अर्थशास्त्री का कहना है कि भारत एक बेहतर स्थिति में भी है।
गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में नजर आ रहा है और प्रदूषण के कारण मौसम में धुंध छाई रहती है। इसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन भी होने लगी है। बढ़ते प्रदूषण को छात्रों की सुविधा को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और प्राधिकरण की CEO और प्रभारी जिलाधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने कक्षा 1 और 12 तक के छात्रों की 8 नवम्बर तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने को कहा है। आपको बता दें कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने यह भी बताया है कि यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। आदेश की सूचना सभी स्कूलों को भेज दी गई है और कोई भी स्कूल ऑफलाइन कक्षा का संचालन नहीं करेंगे। यदि कोई स्कूल नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में मौसम में बदलाव जारी है और एक तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है तो दक्षिण के राज्यों में बारिश से लोगों की आफत बन चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चक्रवाती हवाओं का तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तरी राज्यों का मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि हिमालय में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसका असर शुक्रवार यानी कि आज से देश के उत्तरी राज्यों पर पड़ेगा। आज मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है और वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार बन रहे हैं और पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट हो रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे भारत के कई राज्यों में हल्की सर्दी का एहसास भी होने लग गया है और मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि पहाड़ी राज्यों में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। लोगों को बर्फबारी, बारिश और ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है और पहाड़ी राज्य में लोगों की मुश्किलें पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ही कई इलाकों में आज भी बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने यह भी जारी किया है अलर्ट कि केरल के 3 दक्षिणी जिलों के लिए बीते 3 दिनों के लिए ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट 6 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश के संकेत देता है। आपको बता दें कि आज की ही पठान मिट्ठा की इडुक्की जिलों में ही अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश 24 घंटों में ही 12 से 20 सेंटीमीटर होने की संभावना है और केरल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय है और इसका असर केरल और लक्षद्वीप में कुछ इलाकों में भी दिख रहा है। तो आपको बता दें कि पहाड़ी राज्य में मौसम जो है वो उसमें बदलाव देखा जा सकता है। देश भर में ठंड का प्रकोप भी बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि कई राज्यों में ठंड, हल्की सर्दी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों में की अगर बात करें तो वहां पर भी ट्रिपल अटैक देखने को मिल सकता है। देश भर में अब ठंड बढ़ने वाली है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी दी गई है, कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पर मौसम में भारी बदलाव हो सकता है, बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। और इसके साथ ही अगर बात कर ले जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी, तो वहाँ पर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।